प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैं भी चौकीदार अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं एवं लोगों से करेंगे संवाद। देशभर में 500 स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से कल पीएसएलवी C-45 सैटेलाइट लॉन्चर से इमीसेट और 28 अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों का प्रक्षेपण होगा, जिसमें लिथुआनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूएसए और अमेरिका के उपग्रह शामिल हैं। देशभर में चुनाव प्रचार पकड़ रहा है जोर, प्रत्याशी और नेता कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क, रैलियों के माध्यम से नेता बना रहे हैं अपने प्रत्याशियों की हवा। तीसरे चरण के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया में तेजी आई है। शामली से भाजपा के परसादी लाल और बदायूं से कांग्रेस प्रत्याशी सलीम शेरवानी ने पर्चा भरा। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मैं भी चौकीदार अभियान के तहत आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा कार्यकर्ता और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को संबोधित करेंगे। इनमें मैं भी चौकीदार अभियान को समर्थन देने वाले देशभर के सैकड़ों पेशेवर, कारोबारी और अन्य लोग शामिल हैं। इसके लिए देशभर में 500 से ज्यादा जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। सभी जगहों पर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के धामपुर और बागपत में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के नेलामंगला में एक संयुक्त रैली करेंगे। कांग्रेस जेडीएस पहली बार यह परिवर्तन समावेश रैली कर रहे हैं। इसरो कल सुबह 9:30 बजे श्रीहरिकोटा से इमीसेट और 28 इंटरनेशनल सैटेलाइट को ले जाने वाला पीएसएलवी C-45 लॉन्च करेगा। इमीसेट विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम माप के लिए है। 28 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट लिथुआनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूएसए से होंगे। भारत में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को जनवरी 24 को लॉन्च किया था। पीएसएलवी C-45 ने सफलतापूर्वक माइक्रोसेट आर और केलाम सेट सैटेलाइट को सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में स्थापित किया था। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार पहुंची मेनका गांधी का। सुल्तानपुर की सीमा में घुसते ही अलीगंज बाजार से शुरू हुए स्वागत का सिलसिला चलता रहा। पिछले चुनाव में पीलीभीत से सांसद निर्वाचित हुई मेनका गांधी ने तिकोनिया पार्क में जनसभा को संबोधित करते हुए सुल्तानपुर की जनता से अपने भावनात्मक संबंधों का जिक्र किया। मेनका ने कहा कि उन्होंने हमेशा गरीबों व मजलूमों की लड़ाई लड़ी है, इसी कारण वह पीलीभीत से पिछले 7 बार से सांसद चुनी गई थी। मेरा संदेश ये है कि आप वोट जब देते हो तो अपने भविष्य के लिए देते हो। आप इसलिए वोट नहीं देते हो कि कोई क्रिमिनल आकर के आपको डरा दे। सर जी, मेरी लड़की की शादी है। अरे शांत रहो यार। आप वोट देते हो आजादी के लिए, इस देश की तरक्की के लिए और अपने भविष्य के लिए, ये सोच करके वोट देते हैं। भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश की मंत्री रीता बोगड़ा जोशी ने कहा है कि प्रयागराज से मेरा टूट रिश्ता है और मेरे जीवन के हर अध्याय में प्रयागराज का अविस्मरणीय योगदान रहा है। यहां की जनता ने हमेशा ही मुझे अपार स्नेह दिया है। डॉ रीता बोगड़ा जोशी ने प्रयागराज आगमन के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह आगामी लोकसभा चुनाव में होने वाली भारी विजय की भविष्यवाणी स्वयं कर रहा है। प्रयागराज मेरे माता पिता और स्वयं मेरी कर्मभूमि है। मैं प्रयागराज के विकास में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कहा कि देश को एक मजबूत और ईमानदार सरकार की जरूरत है, न कि मजबूत सरकार की। पिछले 7-5 साल में भाजपा सरकार ने जिस तीव्र गति से ईमानदारी पूर्वक देश का विकास किया है वह अभूतपूर्व है और विश्व पटल पर भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा है। हमारे पास नीति और नेता दोनों हैं, वहीं विपक्ष दोनों मामलों में शून्य है। प्रयागराज से मेरा भावनात्मक जुड़ाव है। मेरे माता पिता के 60 वर्ष यहाँ जनसेवा में गुजरा है। मेरा जन्म और मेरे 50 वर्ष यहीं गुजरे हैं। अलग अलग पदों पर हमने और हमारे परिवार ने इस जनपद की सेवा की है और आज 11 वर्षों के बाद अगर मेरे दल ने, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर भेजा है तो मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ और जिम्मेदारी भी समझती हूँ। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार का स्वागत हुआ, ये मोदी लहर है।
मोदी जी के 5 साल के कर्मठता का, उनके दूरदर्शिता का और उनके सफल नेतृत्व का जनता ये अभिवादन कर रही है। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, सिर्फ मैं ही नहीं, 80 सीटें यूपी की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी मोदी लहर। कांग्रेस नेता व पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा है कि जब पार्टियां काम के आधार पर नहीं, नाम और व्यक्ति के आधार पर वोट मांगती है तो समझ लेना चाहिए कि वह पार्टी चुनाव हार चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 5 सालों के कामकाज के आधार पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर वोट मांग रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के वादे और उन वादों को पूरा न कर पाने की असफलता को लेकर जनता के बीच जाएगी। चुनाव शुरू होने के पहले अपनी हार स्वीकार कर, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, सेना के नाम पर वोट मांग रही है, सेना की उपलब्धियों के नाम पर वोट मांग रही है। आज उसके पास बताने को कुछ नहीं है कि पिछले 5 साल में उसने क्या किया। तो काम के नाम पर जब वोट न मांगा जाए, नाम पर वोट मांगा जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि 2014 में जो मोदी सरकार ने वायदे किए थे, हम जनता के बीच में जाएं और कहें कि अपने हर वायदे पे असफल हुए। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। अब नेता जनता के द्वार, दावों और वादों की होगी पड़ताल, क्या चाहती है जनता, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ। लोकतंत्र का उत्सव, जनता है भागीदार, देखिए जनादेश 2019 रोजाना शाम 7:30 से 8 बजे डीडी उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने कानपुर नगर के अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों को व्यापक प्रचार प्रसार करने और मतदाताओं को किसी के प्रलोभन व लालच में न पड़कर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अपील की। श्री लू ने कहा कि मतदाता के वोट से ही सरकार का निर्माण होता है, इस अवसर पर अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए अभी भी समय है, इस समय का शीघ्र उपयोग ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनका नाम मतदाता सूची से नाम छूट गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि देशभक्ति और ईश्वर भक्ति मतदान में निहित है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का अब तक का स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान पर फोकस होता था, लेकिन इस बार व्यापक भागीदारी के साथ नैतिक मतदान को भी जोड़ा गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार आएगा। पार्टिसिपेशन एंड एथिकल पार्टिसिपेशन पे तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसको विशेष रूप से इस बार जोर दिया जा गया है, और सही में ये प्रजातंत्र की जो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए एथिकल वोटिंग एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन, ये दोनों डायमेंशंस बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमारी ऑफिशियल मशीनरी के साथ साथ आप सब लोगों का भी बड़ा बड़ा योगदान की जरूरत है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सभी कॉलेजों में इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब्स बनाए गए हैं, चुनाव पाठशालाएं बनाए गए हैं, बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप्स बने हुए हैं, वोटर अवेयरनेस फोरम्स बने गए हैं बहुत व्यापक रूप से। अभी यहाँ पर आपने देखा कि व्यापारी संगठन हो, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो, लॉयर्स एसोसिएशन है, जितनी समाज में जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो सभी लोग इनको इसमें बड़ा निस्वार्थता के साथ और डेमोक्रेसी से अपनी आस्था और अपनी पूरी निष्ठा रखते हुए इसमें काम करना पड़ेगा, जो एथिकल वोटिंग, इन्फॉर्म्ड एंड एथिकल वोटिंग को सुनिश्चित अच्छे ढंग से किया जा सके, जिससे हमारी जो डेमोक्रेसी की जो वाइब्रेंस है, जो ग्लोरी है, इसमें वृद्धि हो। और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टीज और प्रत्याशी है। पॉलिटिकल पार्टीज और प्रत्याशी के साथ हम लोग लगातार संवाद करते रहेंगे, हमारे सारे रिटर्निंग ऑफिसर से भी कहा गया है।
सपा बसपा गठबंधन के बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का होगा सफाया और गठबंधन एक नया प्रधानमंत्री देश को देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी की ज्वाइंट मीटिंग शुरू होगी उसी दिन से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होना शुरू हो जाएगा। और जो जबरदस्त उत्साह इस गठबंधन का है, आपने पीछे देखा गोरखपुर, फूलपुर, नूरपुर, किराना हम जीते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय मायावती जी नेतृत्व में पूरा प्रदेश हम जीतने जा रहे हैं, देश को नया प्रधानमंत्री गठबंधन देने जा रहा है। बरेली लोकसभा सीट के नवाबगंज विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का विजय संकल्प किसान सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्य में बड़ी तादाद में किसानों और महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजा वर्मा ने किसानों से भाजपा के संतोष कुमार गंगवार को आठवीं बार भी जिताने का आह्वान किया। अपने भाषण में पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने सभी विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान हमारी प्राथमिकता रहे हैं और भविष्य में भी हम इसी राह पर चलेंगे। पिछली बार 2.5 लाख मतों के अंतर से जिताया था, तो उन्होंने कहा क्या आंसर यहाँ पड़ेगा। मैंने कहा मेरा ऐसा विश्वास है और बरेली के मतदाता ये चाहते हैं कि इस अंतर को बढ़ाया जाए। तो जवाब में और पूरे लोकसभा की जिम्मेदारी आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इस विश्वास के साथ कि देश में जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ हम सब लोग जुड़े और देश के अंदर एक नई दिशा लेकर आए। मुझे तो केवल संतोष गंगवार जी, कमल का फूल, इसके सिवा मुझे तो कुछ यहाँ दिखाई नहीं देता। भाजपा की सरकार पुनः बनने जा रही है और किसान हमारी सदैव प्राथमिकता रहा है। गांव, गरीब और किसान, यही हमारी प्राथमिकता है, इसी को लेकर के हम चलते रहे हैं और इसी पर भी हम आगे चलेंगे। झांसी लोकसभा सीट पर सपा बसपा गठबंधन के घोषित प्रत्याशी श्याम सुंदर सिंह का ललितपुर में हुआ प्रथम आगमन। श्याम सुंदर ने बीएसपी कार्यालय पहुंचकर गठबंधन के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कार्यकर्ता के अलावा बीएसपी के पूर्व विधायक फेरनलाल अहिरवार एवं पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा मौजूद रहे। बाद में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा ने बुंदेलखंड को दिए जाने वाला विशेष पैकेज बंद करने का काम किया है। हमारा गठबंधन यूपी, एमपी एवं महाराष्ट्र में हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी और हमारे नेता अखिलेश यादव बहन मायावती को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाने का काम करेंगे। बुंदेलखंड जो पैकेज देने का काम अगर किसी ने किया था समाजवादी पार्टी के मुख्य माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। और ये जो सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, इसने बुंदेलखंड पैकेज बंद कर दिया और जो योजना आयोग था उसको भी बंद कर दिया। चार बार लगातार बदायूं के सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी ने शनिवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद मीडिया से मुखातिब हुए श्री शेरवानी ने कहा कि बदायूं की जनता ने जो प्यार मुझे चार बार दिया वही प्यार बदायूं की जनता इस बार भी देगी। उन्होंने धर्मेंद्र यादव के विकास कार्यों पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे द्वारा जो विकास कराया गया वो जनता से छुपा नहीं है और आगे भी जो बदायूं के लिए हो सकेगा वो मैं पहले भी किया गया है और अब भी किया जाएगा। इस दौरान नामांकन के दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए हमारे सामने दो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि देश में पिछले 4.5-5 साल में जो हालात पैदा हो गए हैं, चाहे वो महंगाई के हों, चाहे वो आपसी भाईचारा खत्म हो गया, चाहे वो डर का माहौल पैदा कर दिया गया हो, उससे राहत दिलाना और लोगों को बताना कि ये देश हम सबका है और ये देश उसी वक्त उन्नति करेगा और तरक्की करेगा जब हम हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा लगा के भाईचारे से, प्यार से राजनीति करेंगे।
लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आज से उत्तर प्रदेश के संभल में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी ने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय बहजोई पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री चेतन चौहान, गुलाब देवी और बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहे। इस मौके पर बात करते हुए प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने कहा कि वह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा नेता चेतन चौहान ने कहा कि वह और दोनों मंत्री अपने प्रत्याशी का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं और ये चुनाव बहुत अच्छा होगा। विकास की बात होगी, भाईचारे की बात होगी, इसमें आंधी चल रही है, पूरी हर समय हर जगह एक ही बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। विश्वास जगाने के लिए उनको जो है और मनोबल बढ़ाने के लिए हम आए हैं। बहुत अच्छा चुनाव होगा और मैं समझता हूँ एक अच्छा संदेश प्रदर्शन चाहिए कि यहाँ पर नामांकन के बाद जनता भी चाहता। समाचार अभी और भी है, पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। देश का सबसे बड़ा चुनाव, हर पार्टी का असर, हर नेता की खबर, चुनाव पर क्या है जनता की राय, चुनावी सुर्खियां सिर्फ DDUP पर रोजाना शाम 4 बजे। चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर कई बार राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जनता से अपना आपराधिक इतिहास और उन पर दर्ज मुकदमों की जानकारी छुपा जाते थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि प्रत्येक प्रत्याशी अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का खुद प्रचार प्रसार करें। इतना ही नहीं, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रत्याशी जनता को बताएं कि उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, किनमें सजा हुई है, किनमें सुनवाई चल रही है। साथ ही राजनीतिक दलों को भी अपने प्रत्याशी का आपराधिक इतिहास वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। मुरादाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार ने बताया है कि राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने विरुद्ध लंबित और प्रचलित आपराधिक मामलों को व्यापक रूप से समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कम 3 बार इस सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार कराएंगे। यह प्रचार प्रसार निर्वाचन क्षेत्र के व्यापक रूप से प्रचलन वाले समाचार पत्रों में निर्धारित प्रारूप में कम 3 बार प्रकाशित कराना होगा। के लिए एक प्राविधान किया गया है, वो जो भी सूचना प्रारूप 26 है शपथ पत्र का, तो उसमें वो अपना पूरा विवरण देंगे और विवरण देने के बाद एक C1 प्रपत्र है, उसमें अपना पूरा विवरण देंगे और जो नाम वापसी का अंतिम डेट होगी उससे लेकर के और मतदान के 48 घंटे पहले के बीच में 3 बार एक निश्चित अंतराल पर उनको इसको जो इस मंडल का व्यापक प्रचार प्रसार वाला समाचार पत्र होगा उसमें छपवाएंगे। व्यापक प्रचार प्रसार वाले समाचार पत्र की सूची CEO महोदय के कार्यालय से प्राप्त हो गई है मंडलवार, उसमें बहुत सारे समाचार पत्र दिए गए हैं, तो उन समाचार पत्रों में से किसी भी समाचार पत्र में इसको जो है छपाना होगा। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के बीच बरेली में 50% से कम वोटिंग वाले बूथों पर मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए 4 जागरूकता रथ को रवाना किया गया। बरेली विकास भवन से जागरूकता रथ को जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ पिछले चुनाव में कम वोटिंग रहने वाले बूथ क्षेत्र में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करेगा। जिले में 3,427 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, इसमें से 324 पोलिंग बूथों पर यह जागरूकता रथ पहुंचकर मतदान के लिए प्रेरित करेगा। इस जागरूकता रथ के जरिए ऑडियो वीडियो कार्यक्रम मतदाताओं तक पहुंचाया जाएगा। जागरूकता रथ जिले की सभी तहसीलों में पहुंचकर मतदान के लिए लोगों को शपथ दिलाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि जागरूकता रथ के माध्यम से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी स्वीप अभियान प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि यह रथ कम वोटिंग प्रतिशत वाली जगह पर पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगा और मतदाता को शपथ दिलाकर मतदान की अपील करेगा। कि मतदाता जागरूकता रथ हमारे 4 हैं जो हम लोगों ने अभी रवाना किए हैं, जो 4 अलग अलग तहसीलों में रहेंगे और वहाँ पे जो लो पोलिंग परसेंटेज वाले हमारे बूथ हैं उन पे एक एक करके जाएंगे, वहाँ पे लोगों को शपथ दिलवाएंगे, शपथ पत्र भरवाया जाएगा और जो आप लोग ऑडियो वीडियो देख रहे होंगे वो ऑडियो प्ले किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारी वोटिंग के लिए सामने आए। देखिए, आप लोगों के सामने ही हम लोगों ने मतदाता जागरूकता रथ रवाना किए हैं
जो विभिन्न तहसीलों में जा रहे हैं, और ये हमारे स्वीप कार्यक्रम के जो नोडल अधिकारी हैं सीडीओ साहब, इनके निर्देशन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसमें ये चिन्हित कर लिया गया है कि जिन मतदान केंद्रों पर कम वोटिंग हुई है वहाँ पर ये जाएंगे, ईवीएम के संबंध में, वीवीपैट के संबंध में, मतदान के संबंध में लोगों को जागरूक करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। ये संबंधित तहसीलों में भ्रमण करेंगे और एसडीएम साहबान इसका पर्यवेक्षण करेंगे। मथुरा में मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक वोट बूथ तक ले जाने की बात कही गई। मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का शुभारंभ जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने किया। मुख्य अतिथि संदीप भटनागर, प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी में जनपद के समस्त डीएलएड संस्थानों के लगभग 10,000 प्रशिक्षुओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर मतदाताओं को प्रेरित करने की शपथ दिलवाई गई, जिसमें सभी प्रशिक्षुओं ने स्वयं मतदान करने तथा अपने आसपास के वयस्क, युवा, बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक ले जाने एवं देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की शपथ ग्रहण कराई। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से जनपद में 18 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार के प्रयोग का आह्वान किया। संदीप भटनागर, प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। आज यहां जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के कैंपस में मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, और इस एग्जीबिशन का सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि जनपद मथुरा में निजी डीएलएड कॉलेजों में अध्ययनरत लगभग 10,000 डीएलएड प्रशिक्षुओं को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। आज सुबह माननीय प्रेक्षक, निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में न केवल इन सबको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बल्कि इन सबको ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण भी दिया गया है, जो निरंतर जारी है। इसके अलावा आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद मथुरा के जनपदवासियों के लिए ब्रजभाषा में एक पत्र का वाचन किया गया है, जिसमें यह संदेश दिया गया है कि मतदान के दिन सभी मतदाता अपने कामों को छोड़ करके मतदान करने के लिए अवश्य जाएं, जिससे देश का लोकतंत्र मजबूत हो। आपने अक्सर सुना होगा कि महिलाएं अक्सर अपने सुहाग के नाम की मेहंदी लगाती हैं, पर मेरठ में इस बार महिलाओं ने मतदाता जागरूकता के लिए अपने हाथ में मेहंदी लगाई, ताकि वो मेरठ में प्रथम चरण में होने वाले 11 अप्रैल के मतदान के लिए जागरूक हों और औरों को भी जागरूक करें। जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरठ की महिलाओं और बेटियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खुद मतदान करने के साथ औरों को भी जागरूक करने की शपथ ली। मुख्य विकास अधिकारी आरिका अखौरी ने बताया कि मेरठ में प्रथम चरण में 11 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जिले में विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़े। इसी कड़ी में आज मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिससे महिलाएं खुद तो मतदान के प्रति जागरूक हों और सफल और निष्पक्ष मतदान कराने में भागीदार बने। वहीं महिलाओं का मानना है कि वो हमेशा त्योहारों पर मेहंदी लगाती हैं, पर लोकतंत्र का यह पर्व भी वह त्योहार की तरह मनाएंगी, इसलिए उन्होंने आज मेहंदी लगाई। युग में कोई पुरुष या महिलाएं सब बराबर हैं, तो क्यों ना ये मतदान के लिए भी सारी महिलाएं भी अपना बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि एक वोट जो है वो किसी को जता सकता है या किसी को हरा सकता है, तो क्यों ना हम अपना प्रतिबिंब अपने आप चुने। इसीलिए ये महिलाओं के लिए जागरूकता है, क्योंकि जैसे उनके मेहंदी का रंग चढ़े ऐसे ही ऐसे वैसे ही जैसे वो अपने आप किसी प्रतिबिंब को चाहती हैं वो ही जीते। महिलाओं को जागरूक करने के लिए मेहंदी कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई, ताकि महिलाओं में संदेश जाए कि मतदान करना उनका भी अधिकार और कर्तव्य है, और वो उतना ही मतदान करें, इनफैक्ट बढ़ चढ़कर मतदान करें पुरुषों से भी ज़्यादा, और मेरठ में विमेन का वोटिंग परसेंटेज मेन से ज़्यादा रहे, और ओवरऑल भी मेरठ का वोटिंग परसेंटेज इंडिया में सबसे ज्यादा रहे, और मतदान हमारा सक्सेसफुल हो। 11 अप्रैल को ये अपील की हमने सभी महिलाओं से, और इसी उद्देश्य से ये ऑर्गेनाइज किया गया। के इस प्रोग्राम में बहुत सारी महिलाएं आई हैं जो मेहंदी लगा रही हैं, कुछ लगा रही हैं और कुछ लगवा रही हैं, क्योंकि मेहंदी हम हमेशा फेस्टिवल पे लगाते हैं, तो मतदान भी एक त्यौहार है जिसे हमें खुशियों के साथ मनाना है, और मेहंदी लगा करके हमें 11 अप्रैल तक याद रखना है कि हमें वोट डालना है, क्योंकि वोट डालना हमारा सिर्फ इतना ही अधिकार नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे और एक निशान लगेगा, ये एक ऐसा अधिकार है जिसके लिए हमें 5 साल तक अवार्ड मिलेगा,
जिसको हमने चुना है वो हमारे लिए कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ये सब सोच करके हम ये त्यौहार में शामिल होंगे। और मेहंदी का रंग जो हमेशा आपने त्यौहारों में देखा है, आज इस मतदान के त्यौहार में भी आपको मेहंदी का रंग दिखाई देगा। ना किसी पैसों के लालच में या अन्य किसी स्वार्थ के कारण, लेकिन अपने देश के प्रेम में, अपने भारत माँ के निर्माण के लिए, अपने भारत माँ के स्वतंत्रता के लिए, अखंडता के लिए, भारत माँ के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, भारत माँ के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए 11 अप्रैल को जरूर वोट करने, मतदान करने के लिए जरूर जाएं। संदेश दूंगी सभी को, जैसा कि मैं सोचती हूँ कि सभी को वोट देना चाहिए, तो वाकई में सबको वोट देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। इसके जरिए हम एक गलत और एक सही व्यक्तित्व को चुन सकते हैं। ये एक लोकसभा का चुनाव है, तो कृपया करके ऐसी नेता को चुना जाए, ऐसा प्रतिनिधित्व लाया जाए जो कि हमारे देश को आगे बढ़ाए, देश के बारे में उसकी क्या नीतियाँ हैं, वो विदेश संबंधों के बारे में क्या सोचता है, जो इस समय वर्तमान सरकार है उसकी नीतियों के बारे में क्या सोचता है। तो ये बड़े मुद्दे हम लोगों को ध्यान में रख के और अपना अधिकार जरूर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आईपीएल में कल दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स ने एक रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को सुपर ओवर में 3 रन से हरा दिया। पृथ्वी शाह सिर्फ 1 रन से शतक बनाने से चूक गए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स जीत की तहलीज पर पहुंच गई। 3 मैचों में दिल्ली की यह दूसरी जीत है, वहीं कोलकाता की 3 मैचों में यह पहली हार है। इसके पहले एक और मैच में किंग्स 11 पंजाब ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चंडीगढ़ में खेले गए मैच में किंग्स 11 पंजाब ने केवल 2 विकेट खोकर जीत के लिए जरूरी 177 रन बना लिए। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 57 गेंदों में 71 रन बनाए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। पेनाल्टी शूटआउट तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने भारत को 4-2 से हरा दिया। इस मैच में भारत ने अच्छी शुरुआत करते हुए खेल के 90वें मिनट में गोल कर दक्षिण कोरिया को बैकफुट पर ला दिया। फॉरवर्ड खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह ने यह गोल दागा। खेल के दूसरे क्वार्टर में भी दर्शकों को यही स्कोर देखने को मिला, लेकिन चौथे क्वार्टर समाप्त होने के महज 13 मिनट ही थे कि भारत की खराब रक्षा पंक्ति का फायदा उठाते हुए कोरिया के खिलाड़ी ने मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद निर्धारित समय पर स्कोर 1-1 की बराबरी से छूटने के बाद पेनाल्टी शूटआउट के जरिए विजेता का फैसला किया गया, जिसमें बाजी दक्षिण कोरिया ने मारी। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैं भी चौकीदार अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों से करेंगे संवाद। देशभर में 500 स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से कल पीएसएलवी C-45 सैटेलाइट लॉन्चर से इमिसेट और 28 अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों का प्रक्षेपण होगा, जिसमें लिथुआनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूएसए और अमेरिका के उपग्रह शामिल हैं। प्रदेशभर में चुनाव प्रचार पकड़ रहा है जोर। प्रत्याशी और नेता कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क। रैलियों के माध्यम से नेता बना रहे हैं अपने प्रत्याशियों की हवा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।